हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में लगता है। आंशिक अवकलन डिफरेंशियल इक्वेशन वाली हमारी बुक का सेकेंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, और उसके क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़े थे। और सेकंड पार्ट में होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था और उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। संयुक्त फलन सबसे पहले होता क्या है स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन, या स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन होता क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, दो वेरिएबल का होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल के फलन पढ़ रहे हैं। एक वेरिएबल का होगा तो उसका पूर्ण अवकलन हो जाएगा, और दो वेरिएबल का होगा तो उसका आंशिक अवकलन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी फंक्शन दे रखा हो या फलन यू एक्स वाई, या फलन यू एक्स वाई, यू एक्स वाई ले, यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, फलन यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है, यह संयुक्त फलन कहलाता है यदि फलन यू इक्वल टू एफ एक्स वाई कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन कहलाता है यदि, कहलाता है यदि x तथा y किसी अन्य चर के फलन हो या किसी प्राचल के फंक्शन हो। जैसे x है वो किसी प्राचल t का फलन है, और y है वो भी किसी प्राचल t का फलन है, तो फलन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई संयुक्त फलन कहलाता है यदि चर x तथा y, यदि चर x तथा y किसी अन्य प्राचल, किसी अन्य प्राचल के फलन हो, किसी अन्य प्राचल के फलन हो, तब यू एक्स वाई कंपोजिट फंक्शन होगा, संयुक्त फलन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होगी डेफिनेशन। इस फलन को देखने से पता चलता है कि u जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है। u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब यू स्वयं जो है वो एक्स वाई का फलन है, परंतु एक्स वाई किसी अन्य प्राचल या किसी अन्य चर के फलन है, किसी अन्य चर के फलन हो तो यू जो है वो क्या कहलाता है, वो संयुक्त फलन कहलाता है। ये हो गई हमारी कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन। कंपोजिट फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब श्रृंखला नियम काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। कंपोजिट फंक्शन में हमारे पास क्या काम में आते हैं, चैन रूल काम में आते हैं, चैन रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट श्रृंखला नियम, सेकंड श्रृंखला नियम, थर्ड श्रृंखला नियम, चैन रूल्स पढ़ते हैं। कंपोजिट फंक्शन में हम चैन रूल्स पर आधारित अवकलन का अध्ययन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का, पहला प्रथम श्रृंखला नियम पर आधारित, क्योंकि यू जो है स्टूडेंट्स वो है फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। तब मानना x है वो किसी अन्य चर, फाई वन मान लिए इसको, फाई वन किसी अन्य चर t का फलन है, और दूसरा मान लिया y है वो भी क्या स्टूडेंट्स, किसी अन्य चर t का फलन है। u एक्स वाई का फंक्शन है, x है वो भी t का है, y है वो भी t का है, तब देन या तब
डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, हमारे पास मान आएगा डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इन टू डी एक्स अपॉन डी टी। प्रथम श्रृंखला नियम में पूर्ण अवकलज का भी क्या होता है स्टूडेंट, समावेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही चर का प्रथम श्रृंखला नियम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमें यही याद रखनी है कि प्रथम श्रृंखला नियम जो होता है उसमें पूर्ण अवकलज का भी क्या होता है स्टूडेंट्स, यूज होता है। क्योंकि x और y क्या स्टूडेंट, x है वो भी एक चर का फलन है, y है वो भी क्या एक चर का फलन है। जब एक चर का फलन हो तब पूर्ण अवकलज d अपॉन dx जो भी जिसके रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं d अपॉन dx का प्रयोग होता है। और दो या दो से अधिक चर का फलन हो तब आंशिक अवकलन वाले नोटेशन का यूज होता है, डेल अपॉन डेल एक्स वाले का यूज होता है, डेल अपॉन डेल वाई वाले का यूज होता है। अगर दो या दो से अधिक वेरिएबल का फंक्शन हो तो उस कंडीशन में डेल वाले का यूज होता है, और यदि किसका फलन हो स्टूडेंट्स, एक ही चर का फलन हो तब डी अपॉन डी एक्स का यूज होता है। तो हम कर रहे हैं इस फलन का प्रथम श्रृंखला नियम से डेरिवेटिव अवकलन। तो अवकलन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, u है एक्स वाई का फलन है और एक्स वाई आगे t के फलन है, एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, तो x और y के लिए पूर्ण अवकलज वाले नोटेशन का यूज होगा क्योंकि इनका भी यूज करना पड़ेगा इसमें और इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो u x देखिए स्टूडेंट्स, इधर u का डेरिवेटिव फाइंड करना है, x और y दोनों t के फलन है, एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, तब डी यू अपॉन डी टी लिखते हैं इधर, डी यू अपॉन डी टी क्योंकि एक्स वाई टी के फलन है, तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स क्योंकि इसका तो एक्स के रिस्पेक्ट और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, परंतु एक्स और वाई का टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा और एक्स और वाई एक वेरिएबल के फंक्शन है, तो इनके लिए पूर्ण अवकलज वाले नोटेशन का यूज होगा। क्लियर है? तो डेल ये श्रृंखला नियम तब बनता है, डी यू अपॉन डी टी यू एक्स वाई टी के फलन, तब डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इन टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब एक्स आ गया वाई रह गया, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इन टू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी काम में आता है और कहाँ काम में आता है, एग्जाम्पल्स में भी काम में आता है। पेपर में मोस्टली क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 90%। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, इधर देखिए स्टूडेंट्स, इधर हमें ही याद रखनी है ये बात क्या कि एक्स और वाई एक वेरिएबल के अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो वहाँ पे हम पहले गौर करेंगे कि यू है वो एक्स वाई का दे रखा, एक्स और वाई एक के दे रखे हैं तब एक ही बार अवकलन होता है। अब सेकेंड श्रृंखला नियम पढ़ेंगे, ये फर्स्ट श्रृंखला नियम है हमारा, अब सेकंड श्रृंखला नियम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये क्या है, प्रथम फर्स्ट चेन रूल, प्रथम श्रृंखला नियम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट चेन रूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई जो है वो एक ही वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, तब इसको प्रथम श्रृंखला नियम बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सेकेंड श्रृंखला नियम। सेकेंड श्रृंखला नियम में क्या होगा स्टूडेंट्स, वही अब की बार एक्स और वाई है वो दो वेरिएबल के फंक्शन आ जाएंगे। अब हमारा द्वितीय श्रृंखला नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है, प्रथम श्रृंखला नियम को लिखिए तो आपको ये पूरा लिखना है। अब है आगे द्वितीय श्रृंखला नियम या सेकेंड चैन रूल, द्वितीय श्रृंखला नियम से अवकलज वही कंडीशन है स्टूडेंट्स। क्या कंडीशन है, u है वो किसका फलन है, x और y का फंक्शन है, देन सेकेंड श्रृंखला नियम तब x और y दो वेरिएबल के फंक्शन होंगे, तब
तब x इक्वल टू फाई वन टी वन और टी टू, दो के फंक्शन हो गए स्टूडेंट्स अभी टी वन और टी टू। y इक्वल टू फाई टू, क्या स्टूडेंट्स, टी वन और टी टू। अब इन दो वेरिएबल के फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव होगा। u का डेरिवेटिव पहले हमारे पास क्या था, u का जो डेरिवेटिव है प्रथम श्रृंखला नियम में सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट था, t के रिस्पेक्ट, तो एक ही बार में इसका डेरिवेटिव आ गया। परंतु अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो वेरिएबल के फंक्शन आ गए x और y, मतलब x और y दो वेरिएबल के फंक्शन है। तो यहाँ पे किस नोटेशन का यूज होगा, इन नोटेशंस का यूज होगा आंशिक अवकलन वाले का, और इस नोटेशन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब पूर्ण अवकलन तो हो नहीं सकता। पूर्ण अवकलन तभी होता जब वो एक वेरिएबल का फंक्शन होता, अब एक वेरिएबल का फंक्शन है नहीं तो आंशिक अवकलन वाले नोटेशन का यूज होगा। तो u बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, एक्स और वाई दो दो के हैं, तो इन नोटेशंस का यूज करेंगे। और u का दो बार में डेरिवेटिव होगा, ना कि एक बार में, एक बार t1 के रिस्पेक्ट होगा और एक बार t2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, ये प्रथम श्रृंखला नियम है। क्यों है, क्योंकि प्रथम श्रृंखला नियम है क्योंकि x जो है, x और y दोनों है वो एक चर के फंक्शन है, और द्वितीय श्रृंखला नियम है क्योंकि x और y दो चर के फलन है। तो यहाँ से आ जाएगा द्वितीय श्रृंखला नियम का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी वन, ठीक है स्टूडेंट्स। डी यू, अब डी का यूज कर ही नहीं सकते, कहीं नहीं कर सकते, मैंने गलत लिख दिया है। क्यों, क्योंकि डी का यूज हम कहीं कर ही नहीं सकते, कहीं होता तो वहाँ पे कर लेते। ये भी दो वेरिएबल का, इधर एक एक के थे तब डी आ गया हमारे पास। अब ये भी दो का, ये भी दो का, ये भी दो का, इसका मीन है कि पूर्ण अवकलज वाले नोटेशंस का तो कहीं यूज ही नहीं होगा, क्योंकि दो दो वेरिएबल के फंक्शन अब सारे। तो इसका मतलब है इधर हमने क्यों किया, इधर हमने क्यों किया डी यू अपॉन डी टी, क्योंकि टी तो एक ही है, तब इधर आया हमारे पास डी यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा द्वितीय श्रृंखला नियम, मतलब दो श्रृंखलाएं बनती है और इसमें एक ही श्रृंखला बन रही थी। तो यह आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी वन इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी वन, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी वन, ठीक है स्टूडेंट। टी वन वाले का आ गया। अब सेकंड है, सेकंड चैन आएगी इसकी, सेकंड श्रृंखला डेल यू अपॉन डेल टी टू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल टी टू। तो ये प्रथम और सेकंड श्रृंखला हो गई, तब इसको बोलते हैं अवकलज का द्वितीय श्रृंखला नियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास एक स्पष्ट फलन दिया हुआ हो, ठीक है, जो फलन स्पष्ट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, या अस्पष्ट फलन का जब क्या हो स्टूडेंट्स, ये दो श्रृंखला नियम हो गए, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तब ये जो फंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। डेफिनेशन बताऊंगी आपको अस्पष्ट फलन की, अस्पष्ट फलन कहलाता है। अब हमारे पास है कोई भी फंक्शन स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर इस रूप का आता है तो वो अस्पष्ट फलन कहलाता है। अब आगे है अस्पष्ट फलन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अस्पष्ट फलन के डेरिवेटिव के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से दो कंडीशंस काम में आती है स्टूडेंट्स हमारे पास अस्पष्ट फलन के लिए। आगे है, आगे वाला डेरिवेटिव है, जैसे नंबर तीन है अवकलज फाइंड करना हमें। अवकलज फाइंड करने के लिए हमें दो फंक्शंस दिए हुए होंगे स्टूडेंट्स, पहला फलन दिया हुआ है जैसे यू इक्वल टू वही फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये पहला फंक्शन दिया हुआ थर्ड है, थर्ड पढ़ रहे हैं, और सेकंड फंक्शन दे रखा है हमें फाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है ये किस रूप का स्टूडेंट्स, ये अस्पष्ट फलन के रूप का है। जब इस रूप का फंक्शन आता है तब उसका डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे,
दोनों श्रृंखला नियम क्लियर है स्टूडेंट्स? क्यों बोलते हैं इनको, क्यों कब क्या आता है? अब आगे वाला है, जब दो फलन हमें दिए हुए हों फर्स्ट फंक्शन में क्या आता है? स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन तो हमारा एज इट इज आता है, प्रथम और सेकंड श्रृंखला नियम वाले के अकॉर्डिंग। और एक क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास से? एक अस्पष्ट फलन आता हो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव जो होगा वो निम्न प्रकार होगा, डी ये वाला du upon dx। तो यहाँ से हमारा जो डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा, ये हमारे फंक्शन दे रखा है du upon dx equal to del u upon del x into x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट फाइंड करना हो तब du upon dx equal to del u upon del x del x upon del x plus del u upon del y dy upon dx। बताऊंगी पूर्ण एडिशन का क्यों यूज कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट? या इसको हम लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल एक्स अपॉन डेल एक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, इधर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, इधर डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से श्रृंखला नियम में ये कट गया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये वाला मान आ गया हमारे पास। अब जब हमें क्या दे रखा हो, इस रूप का फंक्शन दे रखा हो, याद रखने स्टूडेंट्स ये बात क्या है, इधर डी नोटेशंस का यूज कर रखा है, डी वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब ये क्यों दे रखा है कि मतलब ये जो है ये भी डेरिवेटिव का नोटेशन है और ये भी डेरिवेटिव का नोटेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स? मतलब ये भी डेरिवेटिव और ये भी एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं, ये पूर्ण अवकलज का, ये आंशिक अवकलज का है, मतलब ये अंशों में कर रहा है वो पूर्ण कर रहा है, तो अवकलज ही दोनों, इसका मतलब एक दूसरे को ये काट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? जब u जो है वो फलन xy किसी के फलन नहीं है, मतलब अस्पष्ट फलन दे रखा, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल का है या दो वेरिएबल का है, तो हमारी इच्छा के अनुसार हम इसका पूर्ण नोटेशन का यूज कर सकते हैं और कौन से का यूज कर सकते हैं, आंशिक अवकलन वाले फलन के नोटेशन का यूज कर सकते हैं इधर, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये वाला जो है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काम आएगा फॉर्मूला, चैन रूल के आधार पर बनाए, जब एक तो फंक्शन और दूसरा अस्पष्ट फलन के रूप का हो तब हमारे पास काम में आता है डी यू अपॉन डी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। जब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना हो तब भी इसका यूज करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है, जब हमें अस्पष्ट फलन दे रखा तब उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? अब तो हमारे पास दो फलन थे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये वाला सेकंड फंक्शन हो गया, ये दोनों फलन जब दे रखे हो तब इसका यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब क्या हो, जब सबसे पहले अस्पष्ट फलन होता क्या है, अस्पष्ट फलन, ठीक है स्टूडेंट? वह फलन जो स्पष्ट नहीं हो, मतलब जिस फलन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि एक चर का है, दो चर का है, तीन चर का है, चार चर का है, या फलन है, या फलन तो है परंतु चर का निर्धारण नहीं कर सकते कि एक चर का है या दो चर का, तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। यदि कोई फलन निम्न रूप में लिखा जा सकता हो अर्थात फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू सी इक्वल में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए जहां एक्स तथा वाई का निर्धारण ना हो कि यह एक वेरिएबल का है, एक चर का है या दो चर का है, जहां एक्स तथा वाई के चर का निर्धारण ना हो वो क्या कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है अस्पष्ट फलन को परिभाषित कीजिए,
यदि कोई फंक्शन निम्न रूप में लिखा जा सकता हो, अर्थात फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, स्टूडेंट्स एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, जहाँ एक्स तथा वाई के चर का निर्धारण ना हो, जहाँ एक्स तथा वाई के चर का क्या नहीं है स्टूडेंट्स, निर्धारण ना हो, तब उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ओनली अस्पष्ट फलन है। ये जो फंक्शन है ये वाला तो दो वेरिएबल का है स्टूडेंट्स, एफ जो है वो दो वेरिएबल का है। एफ को हम मान लें यहाँ पे, जहाँ पे मान लेते हैं एफ को मानना यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ये तो दो वेरिएबल का फंक्शन है हमारे पास है स्टूडेंट्स, है अस्पष्ट फलन के रूप का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स, इसका मीन है कि u तो है वो, मतलब ये तो दो वेरिएबल का फलन है, f है अस्पष्ट फलन के रूप का, तब इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, तब इसका dy, क्योंकि dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा हमारे पास निर्धारण x और y का, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू आएगा माइनस का डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, ये वाला होगा ठीक है स्टूडेंट्स। वहाँ जहाँ पे क्या होगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जहाँ माइनस का डेल एफ, जहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आएगा पी, क्या स्टूडेंट्स, आंशिक अवकलन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का कोफिशियंट, फर्स्ट ऑर्डर कोफिशियंट स्टूडेंट्स पी, एफ का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तथा डेल एफ ऑन डेल वाई, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ का वाई के रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पी और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पी अपॉन क्यू, ये है प्रथम अवकलज। जब हमें क्या करना हो स्टूडेंट्स, किसी भी फलन का ज्ञात करना हो, तब ये वाला नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। अब वह द्वितीय कोटि का अवकलज, जब अस्पष्ट फलन दे रखा हो उसका द्वितीय कोटि का अवकलज हमें क्या करना हो स्टूडेंट्स, ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे हमारे पांच फॉर्मूले काम में आते हैं, चौथा प्रथम श्रृंखला नियम, द्वितीय श्रृंखला नियम, तीसरा एक अस्पष्ट फलन हो और दूसरा हमें क्या दे रखा हो, कोई निर्धारित फंक्शन ना दे रखा हो, तो उस कंडीशन में तीसरा यूज कर सकते हैं, चौथा अस्पष्ट फलन दे रखा हो उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव, और पांच नंबर है अस्पष्ट फलन का अस्पष्ट फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये प्रथम कोटि का अवकलज किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स के, ये वाला, इसका मान क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मान, इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला है याद रखना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स के, जहाँ पे फंक्शन होगा एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, ये हमारा फलन होगा ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के आधार पे हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने का फॉर्मूला डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल टू माइनस का क्यू स्क्वेयर आर, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ पूरा, माइनस का क्यू स्क्वेयर आर माइनस का टू पी क्यू एस, टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वेयर टी, प्लस पी स्क्वेयर टी, प्लस का पी स्क्वेयर टी अपॉन क्यू क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ज्ञात करने का, जहाँ पर पी और क्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, आर एस और टी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मान लिख रहे हैं इनके स्टूडेंट्स, जहाँ p बराबर है डेल f अपॉन डेल x, f है फंक्शन, q इक्वल टू है डेल f अपॉन डेल y, r इक्वल टू है डेल स्क्वेयर f अपॉन डेल x स्क्वेयर, t इक्वल टू है डेल स्क्वेयर f अपॉन डेल y स्क्वेयर, s इक्वल टू है डेल स्क्वेयर f अपॉन डेल x डेल y, या डेल स्क्वेयर f अपॉन डेल y डेल x, ये क्या स्टूडेंट्स, ये प्रथम कोटि के हैं, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आगे वाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ठीक है स्टूडेंट्स, इनके आधार पर क्या करना है हमें, जो हमें फंक्शंस दिए हुए होंगे स्टूडेंट्स उनका अवकलज ज्ञात करना है, हमने पढ़ लिए यहाँ पे
पांच प्रकार के डेरिवेटिव। जिस तरह का फंक्शंस दिया हुआ होगा स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग हम उनका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स तो सारे ही करने हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे जैसे हमें फलन दे रखा है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसका क्या करना है, वैल्यू पुट करके मान ज्ञात करना है। क्वेश्चंस पे ही चलते हैं फिर, एग्जाम्पल्स है वो आपको करनी इजी इजी है, कर लेना स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सी एग्जाम्पल्स इजी इजी है, कर सकती हो। जिस तरह के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपको फलन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दे रखा है u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स इक्वल टू दे रखा है इसने ई टी कोस टी। पहले तो हमें क्या करना है, ई टी साइन टी, पहले तो हमें निर्धारण करना है कि कौन सा संकलन नियम हमारे इधर काम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले निर्धारित करना है कि कौन सा श्रृंखला नियम इधर हमारे काम में आएगा और किधर नहीं, इधर नहीं आए, कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसको देखें तो क्या पता चल रहा है, ये जो फंक्शन है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, x है वो क्या है, या एक ही वेरिएबल t का फंक्शन है, तो इसको मान लिया फाइव वन टी और दूसरा क्या स्टूडेंट्स फाइव टू टी, एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, u है वो क्या स्टूडेंट्स एक्स वाई का फलन है, परंतु x और y वो जो क्या है वो एक वेरिएबल के फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो इनके अकॉर्डिंग ही क्या कर लेंगे हम, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। इसका मतलब ये हमारे प्रथम श्रृंखला नियम को संतुष्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या काम में आएगा, प्रथम श्रृंखला नियम काम में आएगा स्टूडेंट्स। और प्रथम श्रृंखला नियम मैं इधर लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, यू है फंक्शन, तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल डेल डी, प्रथम श्रृंखला नियम डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, एक वेरिएबल का फंक्शन है स्टूडेंट्स एक्स और वाई दोनों, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ये श्रृंखला नियम काम में आता है जो क्या है, फर्स्ट चैन रूल। करें स्टूडेंट्स, इसको वैल्यू भी पुट करनी है, तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो क्या रहेगा स्टूडेंट, वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो डेल यू अपॉन डेल डी टी डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट पहले तो ये आएगा टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टू एक्स dx upon dt, तो ये भी t का फलन है और ये भी t का फलन है, तो क्या होगा, अलग अलग होगा, पहले को सेम रख लिया cos t का sin t, पहले को सेम cos t का sin t, फिर पहले का कर लिया प्लस e की t cos t as it is, हो गया स्टूडेंट्स पहले का 2x, प्लस का sin है बीच में, u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो इसका मतलब क्या है, x कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का जीरो हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2y, माइनस का साइन है 2y, dy अपॉन dt, y का t के रिस्पेक्ट करना है तो यहाँ से आ जाएगा पहले को एज इट इज, पहले को एज इट इज साइन t का माइनस cos t, साइन t का माइनस cos t, cos t का साइन t होता है, साइन t का माइनस cos t, प्लस पहले का करेंगे e की t साइन टी आ जाएगा स्टूडेंट्स एज इट इज, ई की टी का डेरिवेटिव ई की टी होता है तो यहाँ पे आ गया टू ई की टी ई की टी ई की टी ई की टी सभी में, तो टू ई की टी बाहर आ जाएगा हमारे पास। इधर एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एक्स ई की टी बाहर ले लिया, एक्स यहाँ पे आ गया साइन टी प्लस यहाँ पे एक्स साइन टी बच गया, इधर बच गया कोस टी, माइनस
टू बाहर आ गया, इक्वी टी बाहर आ गया तो अंदर ले गए वाई। इधर माइनस का साइन है, ये इधर लिख लिया माइनस का, इधर पॉजिटिव कर लेते हैं साइन, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस हो जाएगा, वाई बाहर रहेगा, नेगेटिव अंदर ले गए ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा वाई कॉस टी माइनस साइन टी आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू टू ई टी, टू ई टी। एक्स का मान ई टी कॉस टी, वाई का मान ई टी साइन टी, एक्स का मान रख लेंगे ई की टी कॉस टी, ठीक है। अंदर है साइन टी प्लस कॉस टी प्लस वाई का मान है ई टी साइन टी, ई टी साइन टी मान रख लिया, अंदर है कॉस टी माइनस साइन टी। आगे ये वाला मान डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा, इक्की टी इधर भी है और इक्की टी इधर भी है, फिर कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ई की टू टी, टी प्लस टी टू टी बन जाएगा, ई की टू टी, इधर बच गया कॉस टी, अंदर है साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस का साइन है, बाहर बच गया साइन टी, इक्की टी बाहर चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आ जाएगा टू ई की टू टी, कॉस टी का अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए आ जाए कॉस टी साइन टी, ये आ जाएगा कॉस टी साइन टी, ये आ जाएगा प्लस का कॉस केयर टी प्लस साइन टी कॉस टी, अंदर गुणा करेंगे माइनस का साइन स्केयर टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, ये एक हो गया एक और एक दो, ठीक है स्टूडेंट, तो ये टू ई की टू टी, ये आ जाएगा कॉस केयर टी माइनस साइन स्केयर टी, माइनस का साइन स्केयर टी प्लस टू कॉस टी साइन टी। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा, बाहर है हमारे पास टू ई टू टी, टू ई टू टी कॉस केयर टी, कॉस केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू होता है कॉस टू थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस टू टी, तो बाहर वाला बन गया कॉस टू टी, माइ प्लस का साइन है प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले है, तो टू कॉस टी साइन टी साइन टू टी, तो ये प्लस का साइन टू टी, तो ये वाला आ गया हमारा डी यू अपॉन डी टी प्रथम श्रृंखला नियम का यूज करके फलन के डेरिवेटिव का क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास मान आ गया। तो क्या करना स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रथम श्रृंखला नियम के आधार पर कोई भी फंक्शन, पहले तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम निर्धारण करेंगे कि हमारा प्रथम श्रृंखला नियम है या द्वितीय श्रृंखला नियम है। प्रथम श्रृंखला नियम है पूर्ण डेरिवेटिव का यूज होता है, द्वितीय श्रृंखला नियम है दो चैन बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई स्पष्ट पांच प्रकार के मैंने आपको डेरिवेटिव करने के फॉर्मूले बताए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना आपको फलन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूले डेफिनेशन पढ़ा था, सेकेंड पार्ट होमोजीनियस फंक्शन और थर्ड पार्ट है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में पांच प्रकार के फॉर्मूले काम में आते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, उनके अकॉर्डिंग एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स सारे हो जाएंगे और सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।